तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप YouTube चैनल कैसे बना सकते हो। फुल डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। ईमेल आईडी बनाने से लेकर चैनल क्रिएट करने से लेकर मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, कैसे एडसेंस क्रिएट करोगे, फुल डिटेल सब कुछ। हाँ, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको ढेरों वीडियो मिलेंगी, लेकिन हो सकता है आपके पहले मेरी वीडियो पर ही। तो कोशिश यही करूँगा कि आपके समझ में पूरी बात आए, पूरी शुरू से लास्ट तक मैं आपको ध्यान से स्लो स्लो पूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आशीष। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ आपको कहाँ नहीं समझ में आई, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीधा ही कैसे यूट्यूब चैनल बनेगा 2019 में। अब वही तरीका सिंपल, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है चैनल नेम। दोस्तों, आपको चैनल नेम क्या रखना है? दोस्तों, आपको ऐसे चैनल नेम रखना है जो यूट्यूब पर अवेलेबल पहले से ही नहीं हो, तो आपको सर्च करके देख लेना। जो भी आप नाम रखने वाली हो उसे यूट्यूब पर सर्च करके देखें तो या क्या क्या चैनल पर पहले से ही है, तो आपको ऐसा कोई अलग नाम रखना है चूज की। अब बात आती है ईमेल आईडी। तो आपको मान लीजिए जो भी चैनल का नाम रखना है, मान लीजिए आपको रखना है टेक्निकल आशीष, तो जब चैनल ईमेल आईडी क्रिएट करोगे तो आपको ईमेल आईडी जो क्रिएट करते हो उसमें आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आपको फर्स्ट नेम में डालना है टेक्निकल और सेकंड में डाल लेना है मतलब आशीष टेक्निकल ऐसे। तो पहले में आपको आशीष, दूसरे में टेक्निकल, जो भी आपका नाम हो इसी तरह चैनल नेम सेलेक्ट कर सकते हो। उस हिसाब से ईमेल आईडी बन जाएगी। आपको अपने चैनल के नाम की ईमेल आईडी बनानी है। अब क्या करना है, उस ईमेल आईडी से यूट्यूब ऐप जो है उसमें लॉगिन हो जाना। जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से, जब आप मेरा चैनल पहले से बना हुआ है इसलिए यह नहीं दिखा रहा है, यहाँ क्लिक करोगे तो प्लस का साइन या माई चैनल लिखा आएगा, आप उसी पर क्लिक कर देंगे। वहाँ लिखा आएगा फिर क्रिएट चैनल, आप उसको क्रिएट कर देंगे तो वहाँ नाम लिख जाएगा, आप जो भी देना चाहते हो। तो चलिए, आपने जब नई आईडी बनाई है ईमेल आईडी, उससे लॉगिन हो जाओगे। तो चलिए, मैंने नई एक ईमेल आईडी बनाई है उसी से लॉगिन हो जाता हूँ। तो चलिए, उसके लिए क्या करना होगा मुझे, मैं स्विच चैनल कर देता हूँ, स्विच अकाउंट। तो चलिए, मैंने नई ईमेल आईडी बनाई है, अभी कुछ नहीं है। दोस्तों, ये हो गया वो चैनल लॉगिन, इसे हम अभी स्किप करेंगे। तो ये मेरा, मैंने नई ईमेल आईडी बनाई है, वो लॉगिन हो चुका है। दोस्तों, करना क्या होगा, आपको यहाँ जाना होगा, योर चैनल पर क्लिक करना होगा। योर, तो दोस्तों अभी आपको सेटिंग का लोगो दिख रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, अब ये तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों आपको ऑन कर देनी है। प्राइवेसी, कीप ऑल माई लाइक वीडियोज प्राइवेट, कीप ऑल माई सक्सेसफुल प्राइवेट, कीप ऑल माई सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट। तो आपको तीनों प्राइवेट रखने हैं, कर देना है। दोस्तों, यहाँ से आप चैनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। मान लीजिए आपके चैनल कॉमेडी के बारे में, तो कॉमेडी, टेक्निकल के बारे में टेक्निकल, जो भी देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो कि हेलो दोस्तों, मैं नेम आशीष भाटी, आशीष राजपूत, जो भी आपको नाम है। इस चैनल पर आपको टेक्निकल वीडियो मिलेंगी, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, जो भी देना चाहते हो। मैं भी कुछ नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल इसे एम्प्टी रख देता हूँ दोस्तों, ठीक। दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, उसके लिए कैसे आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हो। चलो, वैसे बाद में मैं बता दूंगा। तो चलिए, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन होना है जिस पर आपने चैनल बनाया है। अब सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पर लगा लेना है। दोस्तों, डेस्कटॉप साइट पर लग चुका है। अब क्या करना है, अब आपको यूट्यूब ओपन करना है। अब आपको यूट्यूब ओपन करने के बाद में उस ईमेल आईडी से लॉगिन होना है जो आपने नई क्रिएट की है या जो चैनल बनाना चाहते हो। तो चलिए, आप करना क्या होगा, अगर आपने पहले से कोई ईमेल आईडी डाल रखी है तो आपके यहाँ चैनल का लोगो आएगा। लोगो ना आए तो आप यहाँ उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अब क्या करना है, मैं अपनी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ जो मैंने नई बनाई है, सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, मेरी दूसरी बार ईमेल आईडी आई नहीं रही है तो मैं उसे लेकर आना होगा जी, आगे नीचे। तो चलिए दोस्तों, मेरी नई ईमेल आईडी है, इसी से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देख लीजिए, इस पर कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिख रहा है आपके चैनल का वही जो भी नाम रखा है उसका पहला लेटर आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, क्रिएटर स्टूडियो, इस पर क्लिक कर देना है। जब पहली बार क्लिक करोगे तो आपके यहाँ बीटा वर्जन खुलेगा, आपको बीटा वर्जन से नीचे सेटिंग से आएगी, उसे हटाकर क्लासिक पर सेलेक्ट कर देना है पहले। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, अब आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है ना। जीरो सब्सक्राइबर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देख लीजिए, मेरे जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यू है, सब कुछ जीरो है। तो चलिए दोस्तों, आपको चैनल पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, वीडियो लंबी होगी उससे मत घबराइए, लेकिन पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है मोनेटाइजेशन का पेज। तो चलिए, इसी पे यहाँ लिखा हुआ इनेबल, इसी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्टार्ट, ये देख लीजिए, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। दोस्तों, जब आप जीरो सब्सक्राइबर हैं, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के बाद, आपको 12 महीने के बाद में, जब भी आपके 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा, तभी आपका चैनल
इंटरव्यू में चला जाएगा। उससे मत घबराइए कि 1 साल हो गया तो आपको चैनल बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर 2 साल भी लग गए ना आपको तो भी जाएगा, लेकिन ये क्या करता है कि ये देखता है कि पिछले 12 महीने में होना चाहिए सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करने के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ मोनेटाइजेशन, सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐसे ही। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझ में आई वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। दोस्तों आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे, आप इन्हें पढ़ भी सकते हो। चलिए मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको इन्हें सब पे क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आपको टिक लगा देना है, ये लग चुका है। अब क्या करना है, ये आई एक्सपेक्ट कर देना है। दोस्तों पहला टिक आ चुका है, आपको इन चारों पर टिक लगाना होगा। तो चलिए अब आ रहा है साइन अप फॉर एडसेंस, तो चलिए इसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये है मेन चीज़, ये आपको ध्यान से करनी होगी। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, इसी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले वही मेडी चूज करनी है जो आपने नहीं क्रिएट किया, जो आपने चैनल बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं इसी पे चूज कर लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। दोस्तों करना क्या होगा आपको, आपको यहाँ लिखा हुआ है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, इस पर क्लिक कर देना है आपको यस वाले पे। नीचे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ बस आपको वही ध्यान से करते जाना है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो इंडिया आ चुकी है, इंडिया सेलेक्ट कर देनी है आपको, सॉरी सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो दोस्तों इंडिया सेलेक्ट हो चुकी है, ओके करना है आपको। फिर वही आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी लेते हो, लेकिन मैं आपको पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए यहाँ आपको टिक लगा देना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आ चुका है एड्स मेड इजी, तो क्या करना है गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटी हो, लेकिन वीडियो बड़ी हो सकती है। दोस्तों अब आपको ध्यान से देखना है, ये देख लीजिए क्या आ रहा है, कस्टमर इनपो, अकाउंट टाइम में आपको इंडिविजुअली रखना है, और यहाँ लिख रहा है नेम एंड एड्रेस, ये आपको चैनल नेम भी आ जाएगा उसे रहने दिया, या अपना एड्रेस देना, ये एड्रेस लाइन टू देनी है, या टाउन आपकी सिटी जो भी है, बुलंदशहर नोएडा दिल्ली जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ अपना पिन कोड देंगे, पिन कोड देने के बाद में स्टेट, और यहाँ अपना फ़ोन नंबर, उस पर ध्यान रखिएगा उस फ़ोन नंबर पर पहले कोई एडसेंस ना हो, और उस फ़ोन नंबर पर पहले से कोई एडसेंस है तो ये चैनल आपको डिलीट करना पड़ सकता है। दोस्तों बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर न्यू हो। दोस्तों ये सब कुछ आपको फ्लिप कर देना है, तो चलिए दोस्तों मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा फ्लिप कर दिया है। दोस्तों अब देख लीजिए आप इसमें क्या करना है, एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना एड्रेस देना है, और टाउन सिटी में अपने आप सिटी सेलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पिन कोड में अपना पिन कोड, और स्टेट में अपना स्टेट, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वी आर बन गई ऑन सेटिंग यू। तो चलिए दोस्तों अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, इसे हम टाइम देंगे। दोस्तों ईमेल आ चुका है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो चलिए दोस्तों आपके एडसेंस के लिए भी रिक्वेस्टेड हो चुकी है। अब क्या करना है, सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस, आपको इसे भी स्टार्ट पे क्लिक करना है। और आपको क्या करना है, आपको देख लेना है ये आपका कहीं ऑफ तो नहीं है, ये आपको ऑन कर देना है। ध्यान से सुनिए कि ये आपको ऑन ही रखना है, अगर ये आपका ऑफ है तो भी आपको ऑन कर देना है, और यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हो गया मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई। वो दोस्तों लिखा रहा है गेट रिव्यूड आफ्टर रीचिंग 4000 वॉच टाइम वॉच आवर इन प्रीवियस 12 मंथ एंड 1000 सब्सक्राइबर। दोस्तों इसका मतलब है प्रीवियस यानी कि पिछले 12 महीना
वो आज से हो जाए या एक साल बाद के एक साल बाद हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं कि एक साल में ही हो बस। नहीं, अगर 2 साल बाद भी आपके एक साथ कोई वीडियो वायरल हो जाए ना और वो एक एक ही वीडियो आपको 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब ला दे तो उसी टाइम आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जाएगा। दोस्तों यही काम है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों वो हो चुका है, 0 वॉच टाइम है और 0 सब्सक्राइबर है। तो चलिए अब मैं इस चैनल पर कोई वीडियो डालना शुरू करूँ। वैसे मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है, ये पूरा चैनल क्रिएट किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, सब कुछ अगली वीडियो मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।